उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सभी प्रत्याशी जोर शोर के साथ मतदाताओं के पास पहुंचने लगे हैं। दिन रात मेहनत करके वे किसी भी कीमत पर अपने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। लगातार पदयात्राओं एवं जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसी के चलते हर्षविहार में बसपा प्रत्याशी राजवीर सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सैकड़ों की संख्या में बैठी ये भीड़ बाहर से बुलाई गई भीड़ नहीं है, बल्कि ये जनता बसपा प्रत्याशी राजवीर सिंह के विचारों को सुनने आई है। राजवीर सिंह ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात की, जिन पर वे काम करके इस संसदीय क्षेत्र की जनता को खुशहाल देखना चाहते हैं। मगर ये तभी संभव होगा जब 12 मई को वोट के रूप में इस जनता का प्यार बसपा प्रत्याशी को मिलेगा। दिल्ली प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र चौधरी वे प्रत्याशी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। आम आदमी पार्टी का और आरएलडी का दोनों का ही गठबंधन हमारे साथ यहाँ हो गया। वहाँ पे भी हम महागठबंधन का हिस्सा हैं और यहाँ पे भी महागठबंधन का हिस्सा। निश्चित तौर से हमारे को यहाँ पे गठबंधन से और महागठबंधन से बहुत फायदा होगा। बहुजन समाज पार्टी की हवा चल रही है और किसी की नहीं चल रही। हम इस बार इतने वोटों से यहाँ जीत दर्ज करेंगे। तो मैंने कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। राजवीर सिंह जी के साथ कितना बड़ा जनसंघ समर्थन को मिला है और इस क्षेत्र की जनता बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय राजवीर सिंह को जिताने का काम कर रही हैं। और ये नई जनसभा नहीं है, इससे अलग भी बड़ी बड़ी जनसभा हो रही हैं और निश्चित संदेश जा रहा है कि कहीं भी फूल वाला हमारे सामने नहीं टिक रहा, कहीं हमारे पास झाड़ू वाला नहीं टिक रहा। और शीला दिस्किन की तीनों की जमानत जब्त कर हाथी निश्चित तौर से इस देश की संसद में चिगाड़ने के लिए तैयार हो चुका है। इस सभा में जाने पहचाने सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार शेख चिल्ली प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शेख चिल्ली को देखने भारी संख्या में जनता उमड़ी। इस मौके पर शेख चिल्ली ने अपने हास्य अंदाज में जनता से प्रत्याशी राजवीर सिंह को जिताने की अपील की। पहली बात तो मैं सबसे पहले तो जितने भी आप मीडिया के कार्यकर्ता हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी ने यहाँ आकर के इस सभा को सब दिखाने का प्रयास किया है और बहुजन समाज पार्टी का जितना भी यहाँ जन समूह है सब दिखाने का प्रयास किया है। और हमारे चौधरी साहब हैं डॉक्टर इंद्रजीत जी, इन्होंने इतना प्रभावी है, इन्होंने सभा को बहुत अच्छे से जोड़ा है। और मेरे भी चाहने वाले हैं यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, हाँ तो मैं सभी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी मीडिया प्रभारी को कि आपने यहाँ आकर के जो विपक्ष को ये भीड़ दिखाने का काम किया है बहुत बहुत धन्यवाद है। एक एक वोट मिलेगा, एक एक वोट बीएसपी को मिलेगा, मेरे चाहने वाला को भी। चाहने वाले क्या, जो हमारे सांसद भावी सांसद बनने जा रहे हैं राजवीर जी, राजवीर सिंह जी, उनके चाहने वाले हैं, मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। भले ही उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर हो और बसपा का प्रत्याशी अभी तक सांसद नहीं चुना गया हो, मगर इस बार इस लोकसभा सीट पर राजवीर सिंह के हौसले बुलंद हैं और उनका दावा है कि वे इस सीट को बसपा के खाते में देंगे। संदीप कुमार के साथ प्रिया शर्मा, तेज निगाहें दिल्ली।